एक आदमी को घास में एक पक्षी मिला। उसने नजदीक से देखा और पाया कि उसका चेहरा इंसानों जैसा है। वह व्यक्ति पक्षी को देखता था। जिज्ञासावश, तो तुम्हें ले जाएंगे इसका स्वाद लेने के लिए। गलत, फिर से शुरू। जिज्ञासावश वह पक्षी को घर ले आया। उसकी पत्नी ने उसे देखा और उसे अद्भुत लगा। सावधानी से टोकरी में रखते हुए उन्होंने उसे गौर से देखा और पता चला कि उसके छोटे पंखों के साथ ही वह एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। इस जोड़े का कई सालों से कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह भगवान का तोहफा है। महिला का मातृत्व तो उमड़ पड़ा और उसने इस अजीब चीज को गोद लेने का निर्णय लिया। उसने उसका नाम हियाने रखा। अगले दिन महिला एक गुड़िया लेकर आई। उसने उसके कपड़े सिले, उसको हियाने को पहनाया। उस व्यक्ति ने उसका एक घर बनाया। उन्होंने उसे एक आरामदायक घर में रखा। उसके उड़ने की चीज उसके पंख थे जो बहुत सुंदर थे, इसलिए महिला ने एक स्कार्फ बनाया छोटी टोपी में और उसके पंख को लपेट दिया ताकि उसे बाहर ले जा सके बिना किसी चिंता के खुली हवा में। उस छोटी चीज ने इस पर ध्यान दिया। एक महिला पर जो उसे कवर लगा रही थी, उसने उसको धक्का दिया। वे इसका मतलब नहीं समझ पाए। जल्दी ही आने बड़ी हो गई। वह जूसों के साथ रहना चाहती थी। जब वह टोकरी में थी तो वह अपने पंख हिलाती रहती। चलने से पहले उसे उड़ने की कोशिश की। रात में खिड़की में हंस को उड़ता देख कर उसे तुरंत आकाश में उड़ने की इच्छा हुई। उफ, पर अपने माता पिता को देख कर उसने यह विचार त्याग दिया। वह सरकती हुई अपने बिस्तर पर गई और सो गई। एक दिन हियाने चूजों के साथ बैठी थी और एक आवाज निकल रही थी। महिला उत्साहित हुई कि बच्चा आखिर बोलने लगा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं था। उसने इसे कैसे सिखाया? हियाने केवल जानवरों से आवाज निकालती थी। पॉपकॉर्न, कॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। जैसे जैसे समय बीतता गया, हियाने और ज्यादा नटखट होती गई। रात के खाने के समय चाहे महिला कुछ भी दे, हियाने नीचे आने को मना कर देती। केवल जब उसे लगता कि जमीन पर कोई मकड़ी चल रही है तो वो उड़कर नीचे आ जाती। आखिर सामने खाने के बजाय हियाने को कीड़े मकौड़े पसंद थे। चाहे महिला की तबीयत खराब हो, वह कुछ कीड़े जरूर इकट्ठा करती उसके खाने के लिए। कुछ दिनों बाद महिला ने हियाने को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का निर्णय किया। वहाँ हियाने ने देखा कि एक तोता पिंजरे में है। वह पंख खिलाने के सिवाय मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके पंख कैप से बंधे थे। महिला ने उसे छिपा दिया। जब उसे पता चला कि उसे कोई पकड़ लेगा, उसी समय एक शिकारी आया। महिला ने उसकी पीठ पर शिकार का सामान देखा और चिंतित हुई। फिर उसने हियाने को बंद कर दिया शौचालय में ताकि शिकारी से छिपा सके। लेकिन जब उसने फिर से गेट खोला तो हियाने जा चुकी थी। वापस आओ, वापस आओ हियाने, लड़की अपने पंख फड़फड़ाते हुए कोशिश करती हंस के साथ उड़ने की, लेकिन उसके पंख बहुत कोमल थे और वो जमीन पर गिर पड़ी। चूंकि हियाने उड़ गई थी, वे बहुत चिंतित हुए। वे उसे खोजने के लिए निकल पड़े। हंस के दिशा का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी और हियाने को ढूंढने दक्षिण की ओर निकल पड़े। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हियाने को दुर्घटनावश कमरे में एक लड़की मिली। लड़की ने उसके सिर को बाहर निकाला। उस छोटी चीज को देखने के लिए उसने हियाने के पंख छूने की कोशिश की। पहली नजर में वह इस पक्षी के प्रति आकर्षित हुए। सिंगल पेरेंट फैमिली में उसके पापा अक्सर बिजनेस ट्रिप पर रहते थे। वो बहुत अकेली थी, इसलिए उसे दोस्त की देखभाल उसी को करनी है। उसने पंखों और शाखाओं से कमरे में एक घोंसला बनाया। जब कमरे में वे दो ही थे, वे एक रोमांच करने लगे। वे एक पेड़ पर गए। हियाने अपने पंख हिलाने लगे और ऊंचाई तक उड़ने लगी। लड़की उसे केवल जमीन से देख ही सकती थी। अगले दिन लड़की ने हियाने के पेरेंट्स को देखा। ऐसा लगा जैसे वे पेड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। लड़की ने उनको बताया कि हियाने पेड़ पर सो रही है, लेकिन एक आदमी वहां चढ़ा और देखा कि वह वहां नहीं है। लड़की को एक दोस्त मिल गई थी। उसको हियाने की चिंता हुई, इसलिए उसने उनके साथ मिलकर हियाने को ढूंढने का निर्णय लिया। उस समय हियाने उड़ रही थी। वह फिर हंसों के पास चली गई, लेकिन हंसों ने उस पर हमला कर दिया। हियाने चर्च की छत पर गिर गई। उसे आसपास के लोगों ने देखा। पुलिस और बचावकर्ता उस जगह पहुंचे। उन्होंने एक मचान बनाया। कप्तान ने हियाने को हौसला दिया और एक मजबूत बचावकर्ता जिसके घुंघराले थे बाल, वह उसे बचाने ऊपर पहुंचा। लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। जब वह वहां पहुंचा, हियाने उड़ गई थी। मदद, यह बात एक बड़ी खबर बन गई। यह अविश्वसनीय थी कि एक लड़की उड़ सकती है। उन्होंने सोचा कि उसे किसी बाज ने उठा लिया। उनकी चर्चा सुनकर आदमी ने जाना कि वह उसकी बेटी है। यह जानने के लिए कि हियाने किधर गई है, उन्होंने बचावकर्ता के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन उसे लगा यह उसकी गलती है जिससे उनकी बेटी मारी गई। उसने खुद पर दोष लिया और नौकरी छोड़ दी, लेकिन पति पत्नी ने उन्हें बताया कि लड़की अभी भी जिंदा है, बस अब उड़ गई है। यह साबित करने के लिए कि लड़की मरी नहीं है, बचावकर्ता ने लोगों को साथ लिया और साथ मिलकर वे दक्षिण के जंगल में निकल गए हियाने को ढूंढने। वह छोटी पंखों वाली लड़की पक्षियों की भाषा जानती थी, इसलिए वह पक्षियों से बातचीत कर सकती थी। पक्षियों को आसमान में उड़ता देखकर उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आकाश में गोलियों की आवाज हुई जिससे नीचे खड़े लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी उड़ने वाली लड़की के बारे में सोचा। फिर उन्हें देखा एक नीला कपड़ा बहुत दूर से कुएं में गिर रहा है। यह वो कैप थी जो उस महिला ने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। वे कुएं की ओर दौड़े, लेकिन कुएं का पैदा नहीं दिख रहा था। वे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। लड़की खड़ी हुई और कुएं में चली गई। उसने कुएं में गोता लगाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। असल में हियाने पर गोली नहीं चली थी। वे एक होटल में चले गए रात को रुकने के लिए। लड़की एक लड़के से मिली जो पेड़ पर बैठा था। दो बच्चे जिनको प्यार की जरूरत थी। जल्दी एक
दूसरे से दोस्त बन गए। सोते समय लड़के ने बिस्तर के नीचे एक आवाज सुनी। उसने सोचा कि यहाँ भूत है। दोनों ने जल्द से लाइट जलाई। लड़के ने गद्दा हटाया। आश्चर्य से लड़की ने वहाँ यानी को देखा। तीनों अलग अलग बच्चे एक दूसरे लिपट गए और सो गए। अगले दिन लड़की ने पति पत्नी को बताया कि उन्हें याने मिल गई है, लेकिन उन्होंने देखा कि याने फिर से चली गई है। उन लोगों को लगा कि वह ज्यादा दूर नहीं गई है, इसलिए वे एक साथ बाहर निकल गए। लेकिन लड़की वहाँ रुकना चाहती थी, उसे अकेले लड़के के साथ, इसलिए वे पति पत्नी और बचावकर्ता फिर से सड़क पर आ गए। रास्ते में बचावकर्ता बहुत थक गए, इसलिए वह रुक गया। कुछ देर के लिए भी अलग अलग हो गए। रात में बचावकर्ता एक खेत में सो गया। अचानक वह छप्पर से गिर गया। उसे देखा कि याने को पकड़ लिया है। उसने अपने ऊंचाई के डर को चुनौती दी। पेड़ पर चढ़कर उसे याने को बचा लिया। उसने उसके घाव वाले पंखों को ठीक किया। अगले दिन वह उन पति पत्नी से मिला और उत्साह के साथ उसके बारे में बताया। लेकिन महिला उदासी थी। सब लोगों ने उसकी बेटी को देखा था। उसने अब तक अपनी प्यारी बेटी को क्यों नहीं देखा? आदमी चिंतित था क्योंकि वह समुद्र के पास थी। उनकी छोटी बेटी समुद्र के पार दक्षिण में नहीं जा सकती। इसलिए इन पति पत्नी ने एक मोटरसाइकिल ली और तेज रफ्तार से समुद्र की ओर चले, इससे पहले कि उनकी बेटी समुद्र को पार करे। लेकिन उन्होंने इसे फिर खो दिया। जब वे बीच पर पहुंचे, याने पहले से ही समुद्र के ऊपर थी। वे केवल बीच पर खड़ी होकर और एक दूसरे से लिपटे हुए अपनी बेटी को उड़ते देख सकते थे। हालांकि वे उसका जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब उन्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जब वे घर लौटने वाली थी तो आदमी को लगा कि कुछ गलत है, इसलिए वह समुद्र किनारे गया। ऐसा हुआ कि याने अपनी ताकत खो दी, वह समुद्र में गिर गई। भाग्य से आदमी वापस आ गया और अपनी बेटी को लहरों से वापस जिंदगी में ले आया। रात में बेटी के आने की खुशी में परिवार ने एक स्वादिष्ट कीड़ों का भोज दिया। इसके बाद याने फिर भी आजादी के लिए छटपटाती रहती। वह खिड़की को मारती रहती। भी अपनी बेटी को इस तरह खुद को चोट पहुंचाते नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें इसे जाने देना चाहिए और उसे आजाद कर देना चाहिए। एक दिन एक शाम को उन्होंने अपनी बेटी को आजाद कर दिया। उस छोटी लड़की ने एक आदमी को चूमा। उसके बाद वह आसमान में उड़ी, जो उसकी दुनिया थी। फिल्म का नाम है ईव, जो कि हॉलैंड की एक शानदार फिल्म है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि याने को स्पेशल इफेक्ट से बनाया गया था। इस रोल को निभाया था एक छोटे युवा ने, कनाडे जॉर्डन। कल्पना से भरी यह फिल्म एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच जुड़ाव की कहानी कहती है। एक आजाद आत्मा को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता है। माता पिता कैसे होते हैं, यह इससे सीखा जा सकता है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी कहानी। मैं हूँ जियान यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।